नमस्कार, एसडीएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर के रोशन। आइए देखते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरें। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अब गाइडलाइंस पर विचार किया जाना लगभग अंतिम चरण में आ गया है। इसके लिए दलों के सुझाव का इंतजार आयोग कर रहा है। चुनाव पर भी कोरोना इफेक्ट हावी है। बिहार राज्य केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने सभी थोक दवा दुकानों में शनिवार को बंदी खत्म करने का ऐलान किया है। अब केवल रविवार को ही थोक दवा कारोबारी अपनी सेवा नहीं दे पाएंगे। चुनावी साल के साथ नियोजित शिक्षकों की लंबित मामलों का निपटारा भी कर दिया गया। उनकी सेवा शर्तों को मंजूरी दे दी गई। 15% वेतन वृद्धि, ईपीएफ, मन मुताबिक पोस्टिंग भी इसमें शामिल है। यद्यपि बड़े वेतन का लाभ अप्रैल 21 से मिलेगा। विपक्ष ने सरकारी फैसले को केवल चुनावी ढकोसला बताया है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी के बयानों को लेकर बिहार की राजनीतिक तापमान में एक बार फिर से गर्माहट ला दिया है। श्याम रजक के बहाने राजद पर तंज कसने के चलते यह कयास लगाया जा रहा है कि कहीं मांझी की नई सोच महागठबंधन को झटका न दे दे। भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दलितों का हितैषी बताकर जदयू के लिए संजीवनी का काम किया है। उन्होंने श्याम रजक की बातों पर तंज कसा और कहा कि बतौर मंत्री उनके लिए जदयू ठीक था, अब विरोधी स्वर। उदयपुर मंत्री श्याम रजक अब राजद की नीतियों को धारदार बनाने में जुट गए हैं। अपने पुराने घर में वापसी के बाद से नेता तेजस्वी यादव के करीब रहने का प्रयास करते रहना चर्चा का विषय बना हुआ है। जाप प्रमुख पप्पू यादव का कहना है कि राजद और एनडीए दोनों को अपने शासनकाल के कामों का हिसाब देना चाहिए। वे किए गए कामों पर श्वेत पत्र के भी हिमायती हैं। सूबे के 1312 पंचायतों पर बाढ़ का असर पड़ा है, जिनके लिए सामूहिक रसोई और राहत का प्रबंध सरकारी स्तर से संभव हो सका, यह कहना है आपदा प्रबंधन विभाग का। लगभग 5 लाख से ऊपर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया भी गया। खास बात यह है कि कई क्षेत्रों में अभी भी अधिक परेशानी है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लिए सबसे अधिक चिंताजनक बात है फसलों का नुकसान होना। किसानों की आर्थिक बदहाली का आकलन समय रहते करने की जरूरत है। विदित हो कि लगभग 18 जिले बाढ़ प्रभावित हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या पर सरकार और स्वास्थ्य विभाग की कड़ी नजर है। यदि अद्यतन जारी रिपोर्ट पर गौर करें तो बिहार में रिकवरी दर काफी अच्छा है। इस बीच जांच में भी तेजी लाई गई है। अभी भी लोगों के लिए मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग तथा बिना वजह शहर में निकलना सुरक्षित नहीं कहा जा सकता है। खबरों के इस सफर में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एसडीएफ न्यूज।